यू अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था, लेकिन फिलहाल अब उनके अंतिम यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां हो रही, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी और पूरी तस्वीर भी आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, घर पहुंचा हीराबा का पार्थिव शरीर, 8 बजे शुरू होगी हीराबा की अंतिम यात्रा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गांधीनगर से ये यात्रा शुरू होगी। अब खबर ये सामने आई कि थोड़ी ही देर में अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंकज मोदी के घर से शुरू होगी अंतिम यात्रा, उनके भाई है पंकज मोदी और उन्हीं के घर से अंतिम यात्रा शुरू होगी। घर पहुंचा हीराबा का पार्थिव। और चलिए हमारी सहयोगी साक्षी भी न्यूज रूम से जुड़ गई है। साक्षी, देखिए जिस लगातार जो हम नजर बनाए रखे हैं खबर पर, अब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंच चुका है और 8 बजे अंतिम यात्रा शुरू होगी, गांधीनगर से अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है और अब किसी भी वक्त पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल पलक, इस वक्त की खबर यही है कि रात को 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का निधन हुआ और अब उनका पार्थिव शरीर पंकज मोदी जो उनके भाई हैं वहां पर पहुंच गया है और सुबह 8 बजे अंतिम यात्रा हीराबेन की शुरू होगी। हीराबेन की व्यक्तित्व की बात करें तो वो बयां करने से परे है, मतलब उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ अपना जीवन व्यक्त किया और एक उदाहरण के तौर पर उनके जीवन को हम सभी को लेना चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किलें होने के बावजूद बचपन में उनकी माता जो थी, मतलब हीराबेन की जो माँ थी, उनका निधन हो गया था और हीराबेन ने वो माँ का प्यार, वो माँ का दुलार और वो माँ का आंचल जो होता है वो कभी देखा ही नहीं था, उसे महसूस ही नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने लेकिन वो सारी चीज़ें अपने बेटे प्रधानमंत्री मोदी, उनको सब कुछ दिया, वो प्यार, वो प्रेम, वो स्नेह, सारी दुख तकलीफ़ें उन्होंने अपने जीवन में झेली। उसके बाद शादी हुई उनकी, महसाड़ा में उनका जन्म हुआ था, वडनगर में उनकी शादी हुई, जिसके बाद एक छोटे से घर में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हमेशा बताया है कि एक छोटे से घर में वो रहा करते थे जहाँ पर एक चूल्हा हुआ करता था और छत ज़्यादा शायद मजबूत नहीं थी, जब भी बारिश होती थी पानी भर जाता था, जिसके बाद जगह जगह बर्तन रखकर हीराबेन वहाँ पर भी कभी हार नहीं मानी। उस परिस्थिति में भी उन्होंने हमेशा लगन के साथ काम किया और एक प्रेरणा सबको दी, बिना कुछ कहे हमेशा वो सारे स्ट्रगल्स जो थे वो करती रही। यही चीज हमने देखी 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के उस वक्त सीईओ से मिलने के लिए जब गए थे तो उनके आंसू छलक गए थे, जो कि बेहद भावुक कर देने वाला हम सबके लिए मोमेंट था। जब प्रधानमंत्री को हमने देखा कि वो रो पड़े हीराबेन की बात करते हुए, उन्होंने बताया था उस वक्त कि किस तरीके से हीराबेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास केवल एक ही यूनिफॉर्म हुआ करती थी स्कूल जाने के लिए और हीराबेन जब वो यूनिफॉर्म फट जाती थी तो उसको किस तरीके से सिलती थी और किस तरीके से कभी भी उन्हें हार मानने को नहीं कहती थी और उस एक यूनिफॉर्म के ऊपर प्रधानमंत्री स्कूल जाया करते थे। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी माँ चूल्हे पे खाना बनाया करती थी और एक उदाहरण के रूप में हम सभी के सामने वो आई हैं, जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे और बोल रहे थे कि हर बार प्रधानमंत्री की माँ जो है वो हमेशा आगे रही है, दूसरे लोगों के लिए भी उन्होंने उदाहरण व्यक्त किया है, वोटिंग हो, वैक्सीनेशन हो, ये वो चीज़ें थी जिसमें लोग पीछे हटते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की मां ने 100 साल की आयु में भी ये सब कुछ किया, आगे आके और दूसरों को प्रेरणा दी कि आप भी करिए और दूसरों को प्रेरित किया। 18 जून को अभी उन्होंने अपना 100th बर्थडे मनाया था, 100वां जन्मदिन उनका था, जिस पर प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात करी। बात करूँ 4 दिसंबर की तो अभी गुजरात असेंबली इलेक्शन में हमने देखा कि प्रधानमंत्री पहुंचे थे 4 दिसंबर को वहां पर गुजरात में अपनी माता से मिलने के लिए असेंबली इलेक्शन के दौरान, उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया, तस्वीरें हर बार की तरह मीडिया में आई और प्रधानमंत्री ने बम्पर जीत जो थी वो हासिल करी गुजरात इलेक्शंस में। तो हर बार प्रेरणा के रूप में उनकी माँ जो है वो सामने आई और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई मौका नहीं था जब उन्होंने छोड़ा हो कि वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने खुद गांधीनगर ना पहुंचे हों। बात करें सार्वजनिक स्थानों की तो प्रधानमंत्री की माँ कभी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री के साथ नहीं दिखी, हमेशा साक्षी से बीच हम अपडेट दे देते हैं दर्शकों को कि पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और 8 बजे चूंकि अंतिम यात्रा शुरू होनी है, पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। अहम जानकारी बता रहे हैं दर्शकों को, पंकज मोदी के घर से अंतिम यात्रा की शुरुआत होनी है, पीएम मोदी के भाई हैं पंकज मोदी, उनके घर से अंतिम यात्रा की शुरुआत होनी है, पार्थिव शरीर भी घर पहुंच चुका है और पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। साक्षी जी पलक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है ये और बेहद दुखद जो ये पल है प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि बेटा और माँ का जो रिश्ता होता है वो व्यक्त
नहीं किया जा सकता कुछ चंद शब्दों में। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने शब्दों के द्वारा उस पेन को, उस दुख को बता पाऊंगी जो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमने अक्सर देखा मीडिया में हमेशा वो अपनी माँ के साथ दिखाई दिए, जब जब उन्होंने मुलाकात करी सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा तस्वीरें और वीडियोज जो थे वो हमेशा आए, लेकिन प्रधानमंत्री का उनकी माँ के सिवाय इतना क्लोज कोई भी नहीं था। तो जब अब वो माँ ही नहीं रही तो उनके ऊपर क्या दुखों का अंबार इस समय टूटा होगा वो व्यक्त करने के परे है। मतलब वो बहुत ही दुखद पल है उनके लिए, क्योंकि हर बार हर मंच पर उन्होंने अपनी माँ को याद किया और अपनी माँ का स्नेह, प्यार, दुलार सब कुछ ध्यान में रखा और हर बार तस्वीरें भी आई। हमने देखा कि कई बार उन्होंने माँ के पैर धोते हुए तस्वीर आई, तो कभी माँ के साथ चाय पीते हुए तस्वीर आई। एक बच्चे का जो माँ के साथ अफेक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, वो हर जगह हमें देखने को मिला। मतलब हम भी अगर अपनी माँ के साथ होते हैं तो वही सब चीज़ें करते हैं, और प्रधानमंत्री भी जब काम से थोड़ा सा समय निकाल कर गुजरात जाते थे, अपनी माँ के साथ बैठते थे, उनके कभी पैर धोते नजर आए, कभी उनके साथ चाय पीते नजर आए, तो देश के लिए उन्होंने यहाँ पर भी उदाहरण सेट किया कि अपने माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। चाहे आप देश के प्रधानमंत्री बन जाएँ, चाहे आप देश के राष्ट्रपति बन जाएँ, आपको हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद हमेशा रखना चाहिए। अभी मैं बता रही थी कि 4 दिसंबर को ही वो मुलाकात करी थी उन्होंने अपनी मां की, मतलब इतने बड़े गुजरात असेंबली इलेक्शंस में जहां पर ये दावा पहले से ही किया जा रहा था कि बीजेपी जीतने वाली है, उसके बावजूद वो वहां पर गए, अपनी मां का आशीर्वाद लेना वो नहीं भूले और अपनी मां का आशीर्वाद लिया, और उसके बाद हम सब ने देखा कि बीजेपी ने बंपर जीत जो थी वो गुजरात में हासिल की। मां के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और रिश्ता जो होता है मां और बच्चे का वो बयां करने से परे होता है। इसी बीच प्रधानमंत्री की माँ का निधन हो जाता है रात को 3:30 बजे। हमने देखा पिछले 2 दिन पहले उनको एडमिट कराया गया था, सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज मुहैया कराया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर डॉक्टर्स द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि प्रधानमंत्री की माँ की जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है, लेकिन उसके बाद आज सुबह ये अचानक से खबर आती है कि 3:30 बजे उनकी माँ का निधन हो जाता है। तो ये बेहद अत्यंत दुखद खबर देशवासियों के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी। बिल्कुल आयुष साक्षी, और तमाम जब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो अलग अलग रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े दिग्गजों का नाम है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से भी उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन देखिए साक्षी, हमेशा से हम इस बात का जिक्र करते हैं कि जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने माँ के पास पहुँचते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो वो पल भी बिल्कुल अलग होता है। वो खास तौर पर समय उनकी माँ के लिए होता है, अपने परिवार के लिए होता है, क्योंकि वो इतना व्यस्त रहते हैं, लेकिन इतनी बिजी शेड्यूल के बावजूद भी वो समय निकालते थे अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए। यही दर्शाता है कि उनके जीवन में उनकी माँ का रोल और उनकी माँ का स्थान कहाँ था। जी सचिन, बिल्कुल। अब मैं पहले ही कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री माँ, प्रधानमंत्री का जो रिश्ता था उनकी माँ के साथ, वो इकलौता ऐसा रिश्ता था जिससे वो हमेशा व्यक्त करने से पीछे कभी नहीं हटे। मतलब वो इकलौता ऐसा परिवार का सदस्य थी उनकी, जिससे मिलने के लिए वो हमेशा अपने बिजी स्केड्यूल में से, इतना बिजी होने के बाद, देश के प्रधानमंत्री होने के बाद, जब आपको देश विदेश और तमाम जो छोटे से बड़े से लेकर सारी समस्याएं होती हैं उनका समाधान निकालना होता है, उस बीच वो थोड़ा सा भी अगर उन्हें समय मिलता था तो वो कभी चूकते नहीं थे अपनी माँ के पास जाने के लिए, अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी माँ के सामने आज भी एक छोटे बच्चे थे, और वो हमेशा वहाँ जाकर हमने तस्वीरें देखी कि, और उनकी माँ का प्यार भी उनके लिए हमेशा अटूट रहा है कि किस तरीके से हमने देखा कि माँ ने उनको गीता भेंट करी थी, माँ उनको चाय पिलाती थी, माँ को उनको खाना खिलाते हुए भी नजर आई। मतलब इतनी आयु होने के बाद भी वो माँ और बच्चे का जो प्यार होता है, जब एक छोटे से बच्चे को माँ बड़ा करती है, उसे खाना खिलाती है, तो वो प्यार और वो स्नेह और वो दुलार जो था, वो तस्वीरें जितनी बार भी सामने आई प्रधानमंत्री की उनकी माँ के साथ, वो साफ तौर पर जाहिर होता था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कि माँ उन्हें खाना खिलाती थी, उन्हें चाय पिलाती थी, इतने बड़े होने के बाद भी। मतलब बच्चा हमेशा माँ के लिए बच्चा ही रहता है, इस चीज से ये साफ स्पष्ट होता है। जी सचिन, बिल्कुल साक्षी। और देखिए, पीएम मोदी ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि मैंने अपनी माँ से हमेशा यही सीखा है कि कर्तव्य सर्वोपरि, काम सबसे पहले। और देखिए,
जो भी उनका कर्तव्य है वो सबसे पहले, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया। और देखिए उसकी तस्वीर भी हमने देखी, जैसे ही पीएम मोदी को पता चला अपनी मां की तबीयत का, तुरंत भागे भागे अहमदाबाद पहुंचे, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी मां का हाल जाना, इतने बिजी शेड्यूल के बीच में वहां पर जाना। इसके बाद आज का, यदि आप आज की बात करें, आज भी पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और उसके बाद भी आज के उनके जो भी कार्यक्रम थे वो यथावत रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो वहां जुड़ेंगे। तो आप कह सकते हैं इतना बड़ा दुख उनके ऊपर अचानक आन पड़ा, उसके बाद भी कर्तव्य सर्वोपरि। साक्षी, बिल्कुल पलक, बिल्कुल। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की बात करें तो एक समर्पण का जीवन जो था उन्होंने हमेशा व्यक्त किया। मतलब मेरी वो मां नहीं थी लेकिन मैं फिर भी उनको एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मैं हमेशा देखूंगी और हमेशा उनसे प्रेरणा लूंगी। कई बार हमारे जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं और हम हार मान जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की माँ जो थी वो कभी नहीं हारी। मतलब उनकी माँ ने, उनकी खुद की मदर एक्सपायर हो गई थी, उन्होंने कभी माँ का प्रेम जो था वो अनुभव नहीं किया। इसके बावजूद तमाम संघर्षों के बाद वो बड़ी हुई। गुजरात के महसाणा में उनका जन्म हुआ था, हीराबेन का, और उसके बाद वडनगर में उनकी शादी हुई। शादी के बाद जब वो आई तो एक छोटे से घर में, मतलब एक छोटे से घर में वो रहा करते थे। प्रधानमंत्री ने अक्सर कहा है कि किस तरीके के परेशानियां उन्होंने अपने जीवन में देखी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था और ये भी बातें सामने आई थी कि वहाँ पर छाछ जो थी वो फ्री में मिला करती थी, तो 5 दिन वो केवल बाजरे की रोटी और छाछ के बनी हुई कड़ी का सेवन करते थे और चाय के साथ पराठा खा के गुजारा करते थे। तो ये तमाम वो हैं जो हीराबेन ने अपनी जिंदगी में देखे और प्रधानमंत्री ने भी अपनी जिंदगी में देखे, लेकिन माँ ने हमेशा उन स्ट्रगल्स को एक पॉजिटिव तरीके से प्रधानमंत्री को समझाया और उनको उनकी परवरिश जो की वो साफ तौर पर दिखाती है कि इतने तमाम उलझनों के बाद, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि अगर एक कमरे में एक इंसान है और इस तरीके का खाना खा रहा है और इस तरीके का जीवन व्यक्त कर रहा है, जहां उसके पास एक यूनिफॉर्म है जो कि फट जाती है, तब उसकी माँ उसे सिलाई कर रही है, उसकी माँ जाती है और दूसरों के घरों में बर्तन धोती है। तो ये अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है कि उस माँ ने उस संघर्ष के साथ में अपने बेटे को इस काबिल बनाया कि वो आज देश का प्रधानमंत्री है और सर्वोच्च नागरिक पद पर बैठा है और देश के तमाम कारभार जो है वो संभाल रहा है। तो ये एक अपने आप में ही प्राउड मूवमेंट है प्रधानमंत्री के लिए और उनकी माँ के लिए, और मैं एज अ इंडिविजुअल अगर उसको देखूंगी तो मैं उनकी माँ को इस तरीके से प्रेरणा का स्रोत रहूंगी। यही कारण है कि देश के तमाम जो वासियां हैं, देश के तमाम जो लोग हैं, वो हीराबेन से प्यार करते थे और हीराबेन के लिए आज वो भी दुख मना रहे हैं और उनकी आंखों से भी आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि चाहे 100 वर्ष की आयु हो चाहे 200 वर्ष की आयु हो, एक माँ हमेशा माँ रहती है और एक बच्चे के जीवन में उसकी माँ की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता है। बिल्कुल। और देखिए साक्षी, आप बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हैं और शायद यही वो भाव है जो आज हर एक देश के नागरिक के मन में होगा कि वो शख्स जिसने वडनगर से उठकर आज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान है और लगातार देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, विकास की राह पर आगे काम कर रहे हैं, और जैसा कि पलक ने भी जिक्र किया कि आपका काम सर्वोपरि है, और यही शायद पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने पीएम नरेंद्र मोदी को सिखाया कि चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे जैसे भी परिस्थितियां हो, अगर आपने कोई काम को लेकर ठान ली है तो वो अपने काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की आपको जरूरत है। और आज इसीलिए शायद जो कार्यक्रम है पीएम नरेंद्र मोदी का वो यथावत है, भले ही वर्चुअली जुड़ेंगे लेकिन जो काम उन्होंने ठाना है उसे अंतिम रूप पर लाकर ही छोड़ेंगे। जी बिल्कुल सचिन, एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो हमेशा आई हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री को जो परवरिश दी, मतलब हर माँ को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हीराबेन से, और हीराबेन के व्यक्तित्व के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि एक माँ के तौर पर उन्होंने जितने सैक्रिफाइसेस किए, जितना कुछ किया, जितने कुछ मुश्किलें उनके जीवन में आई, लेकिन उन मुश्किलों को उन्होंने कभी मुश्किल समझा नहीं, उन्होंने एक चैलेंज के रूप में लिया और उससे उभर कर वो बाहर आई और अपने बच्चे को इतनी अच्छी उन्होंने शिक्षा दी जिसके बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तस्वीर आपके सामने है। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए खबर सामने आती है, लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा अंतिम सांस लेती है। जैसे ही सूचना पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचती है वो खुद, और देखिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी उनके साथ मौके पर मौजूद है।
बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है जहां पर अहमदाबाद पहुंच चुके हैं पीएम मोदी, और 8 बजे चुकी समय रखा गया है अंतिम यात्रा के शुरू होने का, उनके भाई के घर से अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। और देखिए ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यहां पर रवाना होते हुए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, और अब यहां से पीएम मोदी रवाना होते हुए अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी यहां से रवाना होंगे। 8 बजे अंतिम दर्शन की यात्रा जो है वो शुरू होगी, उनके भाई के घर से ये यात्रा शुरू होगी, गांधीनगर से यात्रा ये शुरू होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घर पहुंचा माता जी का पार्थिव शरीर, और वहां पर माता जी का पार्थिव शरीर पहुंचा है, और वही दूसरी तरफ आप देखिए अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आप पीएम नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली से तुरंत रवाना हुए जैसे ही ये सूचना उन तक पहुंची, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से आप कार में सवार होकर आप वापस जो गंतव्य है वहां तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। और 8 बजे का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया था, तय किया गया था जब अंतिम यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल आपको ये जानकारी दें कि हीराबाई यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के माताजी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके भाई पंकज मोदी के आवास पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से जल्द दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री को भी आप देख पा रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए, उनके गार्ड्स उनके साथ मौके पर पहुंचे हुए। अब थोड़ी देर के बाद वो वहां पर पहुंचेंगे जहां पर उनकी माता जी हीराबा का पार्थिव शरीर है। और जैसा कि हम लगातार शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मां का खोना कैसा महसूस होता है, ये शायद इस वक्त ना आप ना हम समझ पा रहे होंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो लगातार अपनी तमाम बिजी शेड्यूल के बीच में वे अपनी मां से मुलाकात करने के लिए, अपनी मां से बात करने के लिए समय निकालते थे, आज वो जो माँ का साया है वो आज पीएम नरेंद्र मोदी के सर से उठ गया। बिल्कुल, तो अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद है, भूपेंद्र पटेल उनके साथ मौजूद है। अब यहां से गांधीनगर के लिए पीएम मोदी रवाना हुए हैं, अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पीएम मोदी यहां से रवाना हुए हैं। पंकज मोदी के घर से अंतिम यात्रा चूंकि शुरू होनी है, 8 बजे का ये समय रखा गया था, और जो पार्थिव शरीर है हीराबा का वो भी घर पहुंच चुका है, और पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, यहां से गांधीनगर के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। और देखिए हमारे साथ रवि किशन जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी सांसद रवि किशन जी। अपूर्णीय क्षति, पीएम नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ और चारों तरफ शोक की लहर है। जी, जैसे लग रहा है परिवार का कोई बड़ा सदस्य चला गया, क्योंकि उनकी माता जी के एग्जाम्पल के रूप में पूरा देश उनको देखता था। नोटबंदी से जैसे वो लाइन कतार लगा के बैंक पे खड़े रहना, और रिक्शा से ट्रैवल करना, घर के स्वयं सारे काम करना, प्रधानमंत्री आवास में नहीं जाके रहना, और ये इतने बड़े त्याग को दर्शाता है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में आ गया। मतलब हर चीज की एक शुद्धता के साथ भी आप राजनीति में और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति में और विचारों के साथ कैसे जीना, प्रधानमंत्री जी को बार बार सीख देना। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कभी भ्रष्टाचार ना हो, दूसरा भी आखिरी जन्मदिन पे उन्होंने अपने बेटे को कहा कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्ध से। ये बहुत बहुत सीखा हम लोग को, सीख लेके चला गया। ये सब देश के सारे पॉलिटिशियन परिवार को भी सीख देती है माता जी चली गई कि देखिए ऐसे भी आप जी सकते हैं, इतने बड़े लीडर की माँ हो गए, कोई सुख उन्होंने नहीं भोगा सरकारी। जी रवि किशन जी, आज पीएम मोदी ने एक तस्वीर उनकी ट्वीट की और एक बात का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से, और इसी पथ पर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। देखिए आप अपने देश ही को देख लीजिए ना, 2014 के पहले से देश विचारधारा बदल के हर सेक्टर में, खासकर गांव देहात में, छोटे इलाकों में, वो सरकारी आवास हो, प्रधानमंत्री घर हो, शौचालय हो, विचारधारा हो, सरकारी स्कूल हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, एवरी पॉइंट एवरी प्लेस हो, बेटियों की सोच सुरक्षा, इतने बड़े देश को कोविड में निकाल लेना, जब आप भ्रष्टाचार मुक्त विचारों से रहते हो तब आप देश का कल्याण कर सकते हो, क्योंकि देश की जनता का पैसा देश में जाता है सीधे।